हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया टीम ज़ूलोजी, आज हम स्टार्ट करें गुरु नीति का एपिसोड नाइन जिसमें आपके एन का ट्वेल्थ एन का सेवेंथ चैप्टर इवोल्यूशन है और उसमें इवोल्यूशन के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उसमें आप इसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि किस सब टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसको सबसे ज्यादा वेटेज होता है उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करें टॉपिक ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमें सबसे ज्यादा किस चैप्टर में कौन से सब टॉपिक पे स्पेसिकली ध्यान देना है क्लियर आता तो इसमें आपको बता दूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इवोल्यूशन का वो है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन एविडेंस पर नीट में अब तक आए हुए क्वेश्चंस में 2013 से लेके अब तक उसमें 16 क्वेश्चंस जो आए हैं वो एविडेंस पे आए हुए हैं क्लियर इसका मतलब सबसे मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो एविडेंसेस है क्लियर ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन जैव विकास के पक्ष में प्रमाण क्लियर तब स्टार्ट करें सब टॉपिक वाइज सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ फर्स्ट लाइफ कैसे अराइज हुई कहां से अराइज हुई उस पर क्वेश्चन में कौन से हुए? हैं क्लियर स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन आर द टू रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इनमें से दो स्टेटमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में दिए हुए हैं इनमें से आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है क्लियर फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें

क्या करते थे अन एरोबिक रेस्पायरेशन करते थे और उसके साथ साथ नॉन ग्रीन थे नॉन ग्रीन होने का मतलब ओटोट्रोप्स नहीं थे किस टाइप के थे वो हेट्रोट्रोप्स थे जो कीमो हेट्रोट्रोप्स जो है वो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे तो नॉन ग्रीन भी थे और अन थे तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये पहला फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट है बी द फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ओटोट्रोप्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन कि जो फर्स्ट ऑटोट्रोफ्स जो बने थे वो फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए थे वो किस टाइप के थे कीमोऑटोट्रोफ्स थे कीमोऑटोट्रोफ्स का मतलब होता है कि जो केमिकल से या जो ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स जो थे उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते थे तो स्टार्टिंग के अंदर कीमोहेटरोट्रोफ्स थे और उसके बाद कीमोऑटोट्रोफ्स आए कीमो में जैसे आयरन बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया टाइप के बैक्टीरिया इवोल्व हुए थे लेकिन वो एच टू एस को इवोल्व करते थे एच टू एस उससे बन रही थी लेकिन उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी तो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते थे इसलिए क्या थे वो कीमो ओटोट्रोप्स थे दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाते थे तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि दोनों स्टेटमेंट जो है आप देखें कि फर्स्ट में दे रखा अर्लिएस्ट ऑर्गेनिज्म कैसे थे नॉन ग्रीन थे और नॉन ग्रीन होने के साथ साथ एरोब्स एरोब्स थे का मतलब जिनमें क्या था ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन का यूटिलाइज वो अपने रेस्पिरेशन में नहीं करते थे क्लियर यहां तक तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही है अब इसमें आप ये देखें एक चीज पे ध्यान दें आप सोचेंगे कि पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो कीमोहेट्रोट्रोप्स थे कीमो ओटोट्रोप्स नहीं थे लेकिन स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में दिया क्या है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन से थे, तो वो क्या थे? और के बाद जो फोटो ऑटोट्रोप्स थे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जिनके अंदर डेवलप हो गया था वो ऑर्गेनिज्म है वो फोटो ऑटोट्रोप्स थे जो बाद में बोल हुए थे लेकिन पहले ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोप्स थे वो कैसे थे वो कीमोऑटोट्रोप्स थे क्लियर है तक तो ए और बी दोनों करेक्ट है तो इसमें बोथ एंड बी आर करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसके सेकंड आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट क्लियर उसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए करेक्ट सीक्वेंस जो है वो इनमें से कौन सी होगी तो आप देखें सबसे पहला स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट सबसे पहले प्रोटोबायोन्ट नहीं बने सबसे पहले क्या बने थे मोनोमर्स बने मोनोमर्स में जैसे मान लो इनके अंदर जो है वो एमिनो एसिड्स बन गए ऐसे ही सिंपल सुगर बनी इसी तरीके से नाइट्रोजिनस बेस बने तरीके से पहले ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने इन ऑर्गेनिक मोनोमर्स के एग्रीगेशन से इनके पॉलीमर्स बने तो उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनने के बाद इन पॉलीमर्स का एग्रीगेशन हुआ इन पॉलीमर्स के एग्रीगेशन से पॉलीमर्स में एग्रीगेशन में क्या हुआ जैसे एमिनो एसिड्स है एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बोन से जुड़े प्रोटीन बनी ऐसे इनके अंदर जो है वो सिंपल शुगर है वो आपस में मिली पॉलीसेकेराइड शुगर्स बनी फैटी एसिड ग्लिसोल आपस में मिले फैट बन गई इस टाइप से जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के बाद जो क्या थे पॉलीमर्स थे और पॉलीमर्स बनने के बाद इन पॉलीमर्स का एग्रीगेशन हुआ पॉलीमर्स बने थे तब तक अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से डाउन होने लग गए और प्रीमिटिव ओशियंस बन गए थे प्रीमिटिव ओशियंस बन गए थे उस टाइम इनके बीच एग्रीगेशन हुआ ये एग्रीगेट होकर जो है वो इन्होंने कोएसरवेट्स या प्रोटोबायोन्स बनाए लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर प्रोटोबायोन्स या एग्रीगेट होने से कोएसरवेट्स बने थे उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड में ओनली आरएनए बना था पहला न्यूक्लिक एसिड आरएनए था डीएनए काफी टाइम बाद बना था क्लियर आता तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स सबसे पहले क्या आना चाहिए ये और उसके बाद क्या बना सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक

जो बने थे बनेट बने थे तब तक न्यूक्लिक एसिड में कौन सा न्यूक्लिक एसिड था ओनली आर था डीएनए तब तक नहीं बना था क्लियर तक तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आएगा ये किसके किस पे आना चाहिए फोर्थ नंबर पे आना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताएंगे सब सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले सेकंड सेकंड के बाद थर्ड थर्ड के बाद फर्स्ट फर्स्ट के बाद फोर्थ तो सेकंड थर्ड उसके बाद फर्स्ट एंड फोर्थ तो सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ क्लियर तक तो पहले ये आ गया ये सेकंड सेकंड के बाद थर्ड थर्ड के बाद फर्स्ट फर्स्ट के बाद फोर्थ तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर तक समझ में आ रही है बात अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम इज एक्सपेरिमेंट्स मिलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क एसएल मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट में जानोगा आपको मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने एक क्लोज फ्लास्क जो लिया था उसमें किन किन चीज़ों का मिक्सचर लिया था और किस टेम्परेचर पे लिया था ये इन्होंने एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्योंकि अर्थ की जैसी कंडीशन इन्होंने उस अपने एपरेटस में डेवलप की थी जिस टाइम अर्थ का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था उस टाइम इन्होंने मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन और वाटर वेपर इनका मिक्सचर लिया था क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा जो अर्थ पे जो गैसेस रही थी वो क्या थी मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन और वाटर वेपर यही थी तो इन्हीं की इन्होंने केमिकल रिएक्शन करवाई थी जिसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के थ्रू जो है उसको एनर्जी दी थी तो उस टाइम एनर्जी सोर्स क्या थे या तो यूवी रेज या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती थी उस एनर्जी का यूटिलाइज करते थे उस एनर्जी को यूटिलाइज करके इन्होंने जो है वो इनके बीच केमिकल रिएक्शन करवाई थी तो जिनके अंदर क्या था मिथेन हाइड्रोजन अमोनिया एंड वाटर वेपर एट एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा थर्ड हो जाएगा इसमें आप देख रहे हो मिथेन नहीं है मैथिल है तो मैथिल नहीं था समझ गए ये एथिल मेथिल ग्रुप थे तो ये मेथिल ग्रुप नहीं था मिथेन जो है वो इन्होंने यूज की थी तो मिथेन हाइड्रोजन अमोनिया एंड वाटर वेपर एट एट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्लियर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में देखें पेन स्पर्मिया इन आइडियल दैट इज स्टिल इज ए फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनोमर्स मीन्स पैनस्पर्मिया थ्योरी जो है वो कुछ एस्ट्रोनोमर्स के लिए आज भी आइडियल थ्योरी आइडियल कंसेप्ट बना हुआ है क्या था इसमें पैनस्पर्मिया थ्योरी के अंदर जो एरिनियस ने बताई थी ऐसे ही पैनस्पर्मिया थ्योरी की तरह कोस्मोजोइक थ्योरी दी थी तो ये पैनस्पर्मिया थ्योरी कोस्मोजोइक थ्योरी जो थी ये थ्योरी किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी पैनस्पर्मिया थ्योरी में एरिनियस ने बताया था कि अदर प्लेनेट से पेनस्पम जो स्पोर्स के रूप में होते हैं वो स्पोर्स के रूप में पैनस्पम जो है वो लिविंग फॉर्म स्पोर के रूप में अदर प्लेनेट से अर्थ पे माइग्रेट हो गई और अर्थ पर माइग्रेट होकर एक नई फॉर्म में इवॉल्व हो गई ये बात जो है वो किसमें बताई थी पेनिस्पर्मिया थ्योरी में एरिनियस ने बताई थी तो एरिनियस ने जो पेनिस्पर्मिया थ्योरी में इस तरह का कंसेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहीं भी लाइफ की ओरिजिन के बारे में नहीं बताया था क्या बताया था केवल अदर प्लेनेट से लाइफ जो है वो स्पोर्स के रूप में अर्थ पे आ गई और अर्थ में आके एक नए रूप में नए मोल्ड फॉर्म में वो डेवलप हो गई क्लियर तो ये इसके अकॉर्डिंग करेक्ट जो है वो क्या आना चाहिए ट्रांसफर ऑफ स्पोर्स एज यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लेनेट टू अर्थ लाइफ पहले से अदर प्लेनेट पे बनी हुई थी और अदर प्लेनेट से लाइफ जो है वो स्पोर्स के रूप में जो है वो कहां माइग्रेट हो गई अर्थ पे माइग्रेट हो गई क्लियर आ तक ये बात जो है वो थ्योरी में बताई थी तो थ्योरी इसी कारण आगे चल के रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि कहीं भी इसमें लाइफ की ओरिजिन के बारे में कोई डिस्कस नहीं था केवल अर्थ पे कैसे आई वो चीज इन्होंने बताई थी जो कहां से आई थी अदर प्लेनेट से आई थी क्लियर आ तक तो सेकेंड आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव अब आप देखिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ये इनमें थ्योरी से रिलेटेड है जो थ्योरी दी थी डार्विनियन थ्योरी है लेमार्क की थ्योरी है उस थ्योरी से रिलेटेड है तो इनमें पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसके कारण होता है डार्विन ने क्या बताया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मेन कोज जो होता है वो क्या होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है वो मेन इसको इंटरनल फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके कारण एक नई स्पीशीज की ओरिजिन होती है क्या होता है इसमें इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होगा तो इनमें आपस में कुछ इंडिविजुअल्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे फीडिंग के लिए अपने रहने के लिए इनके लिए जो आपस में कंपटीशन करेंगे तो उस कंपटीशन में कुछ ऑर्गनिज्म वो एग्जिस्ट कर जाएंगे और कुछ इसमें अपने आप को जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो जो एग्जिस्ट कर जाते हैं वो तो क्या रहेंगे एक नई वेरिएशंस इवॉल्व हो जाती है उसमें नई वेरिएशंस इवॉल्व हो जाती है तो वो एक नई स्पीशीज बन जाती है क्लियर यहां तक तो इसका मेन कोज जो है वो इन्होंने क्या माना था इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल या इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है वो इसका मेन कोज होता है क्लियर यहां तक तो अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू किसके कारण होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के कारण होता है

तो नई स्पीसी बनने का कारण इसमें क्या माना गया मेन इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल या इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्लियर तक फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन म्यूटेशन थ्योरी ध्यान आपको योगोडी ब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी तो यूगोडी ब्रिज ने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी उस थ्योरी में क्या बताया था इन्होंने कि लार्ज वेरिएशंस आती हैं और लार्ज डिसकंटिन्य होती हैं तो ये लार्ज और डिकंटिन्य जो एक बार में आती हैं उन्हीं के कारण एक नई स्पीसीज की ओरिजिन होती है तो जो लार्ज वेरिएशन आने के कारण नई स्पीसीज बनेंगी तो ये नई स्पीसीज के बनने में जो है वो क्या है मेन रोल किसका है म्यूटेशन का तो म्यूटेशन थ्योरी में यही बताया था और क्या नाम दिया था उसको साल्टेशन म्यूटेशन थ्योरी के लिए जो है वो ने एक नाम दिया था साल्टेशन और साल्टेशन का मीन होता है वो क्या होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज द कोज ऑफ स्पेशन क्या बताया था म्यूटेशन थ्योरी में म्यूटेशन थ्योरी के लिए इन्होंने बताया था कि म्यूटेशन होते हैं और उसमें ऑर्गेनिज्म में तो किसी भी तरह के म्यूटेशन होंगे उनमें बड़े चेंजेस एक बार में आ जाते हैं और वो बड़े चेंजेस डिस्कटिन्यूस होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं

हर एग्जाम में हर साल नीट में ही इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं क्लियर है तक जो कौन सा टॉपिक है एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन आप देख रहे हैं टोटल क्वेश्चंस जो है वो 16 क्वेश्चन अब तक आए हुए नीट 2013 से नीट 2022 तक क्लियर अब आप देखिए इसका 23 का एन 13 में आया हुआ क्वेश्चन है द प्रोसेस पाइवेट्स ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवोल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रेस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कोल्ड क्वेश्चन को समझ लें अच्छे से द प्रोसेस ऑर्गेनिजम विध डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग अलग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऑर्गेनिज्म है और वो अलग अलग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऑर्गेनिज्म है वो किसी सेम एन्वायरमेंटल में एनवायरमेंटल कंडीशन में आ जाए कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज एक ही कॉमन चैलेंज है उसमें अगर वो आ जाए तो सिमिलर तो क्या हो, एक का जो उनके अंदर हो जाता है क्या कहेंगे इसको इस तरह का इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है क्लियर तक जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम देखें पैंगवीन है तो पैंगविन बर्ड है इवोल्यूशनरी स्ट्री उसकी अलग टाइप की है किस तरह का एरियल स्टार्ट का वेल है क्या है अब इनके अंदर या डोल्फिन एक तो मैमल्स जनरली जो है वो क्या होते हैं टेरिस्ट्रियल के लिए एडेप्टिव होते हैं अब डोल्फिन टेरेस्ट्रियल के लिए वाटर में आ गई ऐसे इनके अंदर पैंग्विन है वो एरियल एबिटेट के लिए एडेप्टिव है, लेकिन किसमें आ गया वाटर में आ गया दोनों इनके अंदर, टाइप के। तो वो क्या है एक तरीके से उनमें कॉमन एडेप्टन इवॉल्व हो गया तो वो कॉमन एडप्टेशन जब इनमें इवोल्व हो गया तो क्या है वो एक वो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है जो डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उनकी लेकिन जब किसी एक ही कॉमन हैबिटेट में आके रहने लग जाए एक ही कॉमन एनवायरमेंट में आके रहने लग जाए तो उस कंडीशन में इनके अंदर सिमिलरिटीज का डेवलप होना वो होता है होगा। तो उसके क्या जाएगा? इसका, कि क्या ये एक कन्वर्जेंट है क्लियर तक ध्यान आपको एक चीज इसमें आप अच्छे से समझ लें अभी से समझ लें कि यहां एक समझ लो ये कोई अलग अलग हैबिटेट है यहाँ से किसी से ऑर्गेनिज्म किसी और यहां से तो इन सब के अंदर जो है वो सेम टाइप के फिनोटिपिक एडेप्टन डेवलप हो जाते हैं क्या हो जाएंगे इनमें है डिफरेंट डिफरेंट रिवल्यूशनरी अलग अलग जगह से आ रहे हैं लेकिन जब किसी एक कॉमन हैबिटेट में आके रहने लग जाए तो इन सब के अंदर सिमिलर टाइप के फिनोटिपिक एडप्टेशन वो डेवलप हो जाएंगे जब इनमें सिमिलर टाइप के फिनोटिपिक एडप्टेशन इवोल्व हो जाते हैं तब हम इस कंडीशन को क्या कह देंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है उसके कारण जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेन्स बनते हैं वो ऑर्गेंस क्या होते हैं एनालोगस ऑर्गेन्स इसके कारण कौन से ऑर्गेंस बनते हैं एनालोगस ऑर्गेंस ये बनेंगे इस तरह का इवोल्यूशन तो कौन सा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये अच्छे से समझ लें भाई क्योंकि आगे हर क्वेश्चन में लगभग लगभग ये चीजें आनी है समझ गए तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है इसके कारण कौन से ऑर्गेन डेवलप होंगे हो एनालोगस ऑर्गेन डेवलप होंगे क्लियर आ तक दूसरी कंडीशन होती है ये कि ये, कि ये किसी एक हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म है और किसी एक हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो यहां से यहां चले गए कुछ यहां से निकल के यहां गए कुछ यहां से निकल के यहां चले गए कुछ यहां से यहां गए अब जब तक ये यहां एक सेम एबिटेट में थे तब तक इन सब के अंदर कॉमन या सिमिलरिटीज थी तो तब तक इन दोनों सब के अंदर जो है वो सिमिलरिटीज थी लेकिन यहां से जब ये माइग्रेट हुए अलग अलग जगह पे चले गए तो यहां से अलग अलग जगह पे माइग्रेट होने के बाद इनके अंदर जो है वो क्या हो गया इन में कुछ नई नई तरह की वेरिएशन आना स्टार्ट हो गई जब इनमें अलग अलग तरह की वेरिएशन आना स्टार्ट हो गई तो कुछ इनके अंदर जैसे डार्विन फिंसेज की अगर हम बात करें सारी की सारी सीट ईटर थी जब वो गेला पे आइलैंड पे सेम एबिटेट में थी कुछ वहां से चली गई सी डीटर से फ्रूटी बोर्स हो गई कुछ वहां से चली गई वुड पैकर टाइप की हो गई कुछ सी डीटर ही रह गई कुछ किसी अनदर एबिटेट में चली गई तो वो इनके अंदर जो है वो इंसेक्टिवर्स हो गई इस तरीके से आप देख रहे हो कि केवल जो सीड ईटर थी वो अलग अलग तरह के हैबिटेट में जाके अलग अलग फीडिंग नेचर हो गई जिसके कारण बीक सेप में चेंजेस आ गए और बीक सेप में चेंजेस आने के कारण जो है वो क्या हो गई वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के रूप में इवोल हो गई तो क्या था ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इस तरह के इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर इनको एडेप्टिव रेडिएशन भी कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को और क्या सकते सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन क्लियर आंतर और इसके कारण जो ऑर्गेन्स डेवलप होंगे उन ऑर्गन्स को क्या कहेंगे हम होमोलोगस ऑर्गेन इन ऑर्गेंस को हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गेन्स

ताकि आपके कई क्वेश्चंस जो है वो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाए क्लियर है अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जहां स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ओरिजिन डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो तो जहां स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन हो क्या कहेंगे ऐसे ऑर्गेन को ऑर्गेन। ऐसे ऑर्गेन ओरिजिन सेम हो लेकिन उसके फंक्शन सेम या डिफरेंट हो तब हम क्या कहेंगे उनको होमोलोगस ऑर्गेन्स तो दो टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन होमोलोगस ऑर्गेंस जहां ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम हो और उनके फंक्शंस सेम या डिफरेंट हो तब होमोलोगस जो किसके कारण डेवलप होते हैं होमोलोगस ऑर्गेन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव के कारण होते हैं यानालोगस ऑर्गेन क्या होंगे जहां स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो तब वो एनालोग होंगे और एनालोगस ऑर्गेन जो होते हैं वो किसके कारण डेवलप होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण क्लियर आता है तो आप देख सकते हैं द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में डिफरेंट पैटर्न की स्ट्रक्चर है येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस organ दैट हैव इवॉल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो क्या है ये एनालॉगस organ है जहां फंक्शन सेम है और एनालोगस ऑर्गेन्स किसके कारण वोल हो रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट में आप देखो ऑर्गन दे रखा है लेकिन आगे क्या दे रखा दे है ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से ये नहीं हो सकता क्लियर यहां तक ऑर्गन हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण बोल होते हैं होमोलोगस ऑर्गेंस ये पहला ही गलत हो गया होमोलोगस ऑर्गेन्स ये नहीं हो सकता तो ये सारे गलत है फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर आ तक समझ में आ गई बात अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है फोर लिम्स ऑफ कैट लिजार्ड यूज इन वॉकिंग फोर लिंब ऑफ वेल यूज इन स्विमिंग एंड फोर लिंब ऑफ बैट्स यूज इन फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ अब आप यहां देख रहे हैं सब में फोर लिंब ऑफ कैट लिजार्ड यूज इन वॉकिंग लिजार्ड और कैट में फोर लिंब किस में काम आ रहे हैं वॉकिंग में काम आ रहे हैं फोर लिम्ब ऑफ वहल यूज इन स्विमिंग व्हैल के अंदर फोर बन जाते हैं स्विमिंग में काम आ जाएंगे एंड फोर लिम्ब ऑफ बैट बैट के अंदर फोर लिम्प किस में काम आ रहे हैं फ्लाइंग में काम आ रहे हैं अगर इनकी ओरिजिन देखें स्ट्रक्चर देखें तो सेम है लेकिन फंक्शन सबके अलग अलग है किसी में वॉकिंग का काम करें कुछ में ये स्विमिंग का, का काम करें कुछ में है. जो है वो फ्लाइंग का काम करें तो फंक्शन डिफरेंट हो ऑरिजिन स्ट्रक्चर सेम हो क्या कहेंगे इसको इसमें होमोलोगस ऑर्गेन्स ऐसे organs है वो होमोलोगस ऑर्गेस होंगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये होमोलोगस ऑर्गेंस होंगे क्लियर यहां तक तो ये होमोलोगस ऑर्गेंस की एग्जाम्पल है ठीक है उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन which one of the following are analogous structure तो आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन घूम फिर के उन्हीं एनालॉगस होमोलॉगस एनालॉगस होमोलॉगस डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे इन्हीं पे चलेंगे सारे क्वेश्चन समझ रहे हो बात को तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में हर साल क्वेश्चन इन्हीं में से जननदन क्वेश्चन आ रहे हैं क्लियर आ तक तो आप देखें which one of the following are analogous structure एनालॉगस स्ट्रक्चर इनमें से है 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 पहला है, विंग्स बैट और और इनके अंदर अंदर आप अगर देखें तो तो दोनों के अंदर फोर के है। तो क्या होगी सेम होगी और फंक्शन भी दोनों का सेम है फंक्शन सेम है ओरिजिन सेम होती है तो सेम ओरिजिन जहां हो जाती है वहां हम उनको क्या कहेंगे सेम ओरिजिन वाले ऑर्गन्स है वो होमोलोगस ऑर्गेन्स होते हैं अपने को क्या छाटना है An है वो सिलेक्ट करना है क्लियर जिसकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो नेक्स्ट आप देखें गिल्स ऑफ प्रोन एंड लंग्स ऑफ मैन इन दोनों के अंदर आप देखें गिल्स की ओरिजिन अलग होती है और लंग्स की ओरिजिन मैन में अलग होती है तो दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन दोनों के सेम है प्रोन में गिल्स रेस्पिरेशन कर रही है ह्यूमन में लंग्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं क्लियर तो दोनों में फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है तो क्या रहेंगे बोगेनविलिया के थोर्न और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबीटा इन दोनों के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों की ओरिजिन सेम है दोनों की ओरिजिन किससे दोनों ही एक्जिल बड से इवोल्व हो रहे हैं ओरिजिन तो सेम हो गई दोनों की एक्जेल बर्ड से इवोल्व हो रहे हैं बट फंक्शन दोनों का डिफरेंट है बोगेनविलिया के थोर्न है वो क्या काम करें प्रोटेक्शन थोर्न बोगेनविलिया प्रोटेक्शन करेंगे और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा ये इसमें क्लाइंबिंग करवाएगा तो कुकुरबिटा के अंदर जो ये होता है टेंड्रिल होता है वो उसको ऊपर की तरफ चढ़ाने में उसके क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे और थॉर्न के प्रोटेक्शन करते हैं तो ये क्या है फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन सेम क्या हो गया होमोलोगस तो ये होमोलोगस ये होमोलोगस फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स ये भी दोनों क्या है दोनों ओरिजिन सेम होने के कारण जो है वो क्या रहेगा दोनों के अंदर फंक्शन डिफरेंट है ओरिजिन सेम है तो ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट हो तो क्या है होमोलोगस तो एनालोगस कौन सा रह गया सेकेंड जो है वो केवल एनालॉगस हो गया क्लियर तो करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में आप देखें द विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर बर्ड के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स किस टाइप के होंगे तो बर्ड और इंसेक्ट के विंग्स में आप देख रहे हैं ओरिजिन दोनों की डिफरेंट है बर्ड के विंग्स क्या है फोर लिम का मोडिफिकेशन और इंसेक्ट के विंग्स है वो काइटीन से बने हुए जो है वो एक्सटेंशन होता है तो वो काइटीनियस एक्सटेंशन और ये फोर विंग जो है बर्ड्स के अंदर जो विंग्स होते हैं वो फोर लिम का मोडिफिकेशन है दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है दोनों के अंदर क्या काम करेंगे इंसेक्ट में भी विंग्स का काम उड़ना है फ्लाइंग करना है और इसमें भी बर्ड्स में भी उड़ने का काम है तो फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है ओरिजिन डिफरेंट हो फंक्शन सेम हो तो किस तरह के ऑर्गेंस होंगे

मोलोग स्ट्रक्चर ये भी गलत हो गया फोर्थ एनालोग स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये करेक्ट है organ है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण ही होता है क्लियर फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इंडस्ट्रियल मेलेनिजम इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म या औद्योगिक कृष्णता किसका एग्जाम्पल है तो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म आपको ध्यान है एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें इंडस्ट्रीज के डेवलप होने से पहले पहले तक जो ब्लैक मोथ थे डार्क मोथ थे उनका सिलेक्शन हुआ था नेचर ने उनको सिलेक्ट किया और जब इंडस्ट्रीज डेवलप होती गई सॉरी इंडस्ट्रीज का जब डेवलपमेंट नहीं था उस टाइम पे व्हाइट मोथ वो नेचर ने सिलेक्ट की उनके नंबर्स इंक्रीज होते गए ब्लैक मोथ नंबर्स में डिक्रीज होते गए और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होती गई वैसे वैसे ब्लैक मोथ का नेचुरल सिलेक्शन होता गया व्हाइट मोथ धीरे धीरे नंबर्स में कम होते गए तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए किसके एग्जाम्पल है ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल क्लियर तक करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा क्लियर अब उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज होमोलोगस टू विंग ऑफ ए बर्ड बर्ड के विंग के होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो इनमें कौन सी है तो आप समझ सकते हैं बर्ड के विंग्स जो है वो किससे ही बोल होते हैं ओरिजिन किससे इसमें बर्ड के जो विंग्स है वो किसके मॉडिफिकेशन है फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है अब इधर आप देखें तो विंग ऑफ मोथ तो मोथ का इंसेक्ट है इंसेक्ट के अंदर मोथ जो है इन्सेक्ट है जिसके अंदर विंग्स किसके बन रहे हैं है। तो का है, बन रही है तो ये इनके अंदर होमोलोगस नहीं हो सकता होमोलोगस का मतलब सेम हो। रैबिट, ये है तो भी नहीं हो समझ ना अगर फोरलिम होता है तो मॉडिफाई हो जाते हैं दोनों सेम हो जाते हैं फ्लिपर ऑफ वेल वेल के जो फ्लिपर होते हैं वो इनके अंदर क्या है ये इसके फोरलिम्ब के मॉडिफिकेशन है तो इसके अंदर फ्लिपर ऑफ वेल तो ये इसका फोर लिंब का मॉडिफिकेशन है तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर आ तक उसके बाद आप देखें फोर्थ डोर्सल फिन ऑफ ए सार्क एक सार्क की डोर्सल फिन का तो ये भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट जो है वो क्या रहेगा फ्लिपर ऑफ वेल विंग ऑफ बर्ड है वो किसका होमोलोगस है ये इसका होमोलोगस है फ्लिपर ऑफ वेल क्योंकि दोनों ही ओरिजिन में सेम है और फंक्शन में डिफरेंट है वर्ड का जो विंग्स है वो उसके उड़ने में हेल्प कर रहे हैं और वेल के जो फ्लिपर है वो किस में हेल्प कर रहे है? है। है। तो तो हैं उसकी स्विमिंग मेंंबर फोर्टीन फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है एनालोग ऑफ एनलोग आर ए रिजल्ट ऑफ

नेक्स्ट है इन बोगेनविलिया थोन्स आर द मोडिफिकेशन ऑफ बोगेनविलिया के अंदर जो थोन्स है वो किसका मॉडिफिकेशन है एक्सियल बड का मॉडिफिकेशन होता है तो जो स्टेम के अंदर एक्सियल बड होती है उस एक्सियल बड के मॉडिफिकेशन के कारण से थोनऑफ बोगेनविले बोगेनविलिया के जो थोर्न्स है वो इवॉल होते हैं तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें सेकेंड होगा कि स्टेम की जो एक्सियल बड है वो मोडिफाइड होकर बोगेनविलिया में थोन बनाती है क्लियर यहां तक जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए आपको इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है समझ में आ गई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से कौन से रिलेट और कौन से इससे रिलेट नहीं है इसका मतलब इससे रिलेटेड नहीं है वो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है तो तो को identify करने के लिए first है है तो का जो brain है, उसमें बट ओरिजिन जहां सेम होती हो वो क्या होते हैं वो सबके सब होमोलोगस सब ऑर्गेंस होते हैं और होमोलोगस ऑर्गेंस की का इवोल्यूशन जो होता है होमोलोगस ऑर्गेंस का डेवलपमेंट होता है किसके कारण होता है वो सारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण होता है तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है फंक्शन सेम है से देखने में काम आएंगे लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है इनमें ओरिजिन डिफरेंट इसका मतलब ये क्या है ये एनालोग है जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बोल हुआ है इसका मतलब ये क्या हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए

और फंडामेंटल स्ट्रक्चर में सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है इसलिए इनके अंदर भी भी क्या होगा? ये भी किसका है? है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो ये इनमें से इनकरेक्ट पूछा है, तो कौन सा हो गया? जो है क्लियर तक तो क्या हो गया 16 में हो जाएगा। अब उसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवनटीन नंबर क्वेश्चन है

सेम स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलरिटी बोन स्ट्रक्चर में होगी फोर लिम में किसको शो करेगी इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है ये इसमें होमोलॉजी का एग्जाम्पल है क्या होंगे सारे होमोलोगस ऑर्के जिनके अंदर फंडामेंटल स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं क्लियर यहाँ तक तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका होमोलॉजी तो ये इसमें जो है वो करेक्ट रहेगा होमोलॉजी तो 17 में फोर्थ जो है हो जाएगा होमोलॉजी तो ये सब होमोलोगस ऑर्गेन जो है वो बन रहे है। तक? इसके बाद आप देखें भी बताया था ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देख बताया जब आपको डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बताए थे उसमें आपको बताया था डिफरेंट हैबिटेट को रिप्रेजेंट करने वाले इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म अगर किसी सेम हैबिटेट में आ जाए तो इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज डेवलप हो जाती है किसके कारण होगी वो क्या होता है इनमें सिमिलरिटीज का डेवलप हो जाना वो इनके अंदर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है तो ये अपने आप में जो है वो क्या है एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है तो ये किसके एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल होगा करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो गया पेंग्विन अलग हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉल्फिन अलग हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन दोनों जब वाटर में या हैबिटेट में आके रहने लग जाते हैं तो दोनों के अंदर सिमिलर टाइप के फ्लिपर्स डेवलप हो जाते हैं उनमें तैरने के लिए ये अपने आप में उनका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है क्लियर यहां तक उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है इसमें देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव वोल्ड डू टू चेंजेस इन एन्वायरमेंटल एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन आप समझते हो मैन मेड प्रोसेस जो होती है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है जो ह्यूमन अपने पर्पज से कर रहा है तो मानव में निम्न में से कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं तो मानव की क्रियाओं के द्वारा वातावरण में बदलाव के द्वारा जो विकसित हुए हैं इसका मतलब मैनमेड प्रोसेस के कारण जिसने एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज किया एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज किया उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ नई तरह की वेरिएशंस इवोल्व हो गई तो उसमें जब इस तरह की नई वेरिएशन डेवलप हो गई तो वो क्या था इस तरह के नई तरह की वेरिएशंस का डेवलप होना नई स्पीशीज का इवोल्व हो जाना जिसके अंदर आपने एनसीआरटी में एग्जाम्पल पढ़े हैं पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट का डेवलप होना इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट का डेवलप होना ऐसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का या यूकेड्स का डेवलप हो जाना क्लियर या किसी ड्रग्स रेजिस्टेंट यूकेड्स का डेवलप होना ये सब क्या है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण नई तरह की स्पीशीज का इवोल्व हो जाना है जब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण या मैनमेड प्रोसेस के कारण

हैबिटेट में जाने से फीडिंग नेचर चेंज हुई बीक सेप चेंज हुई नई स्पीसीज बन गई क्लियर अलीर तक तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण नहीं था हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स का डेवलप हो जाना हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स का या हर्ब्स का डेवलप हो जाना एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण है ड्रग रेजिस्टेंट यू कई तरह के ड्रग्स का अगर बार बार अगर यूज किया जाए तो बॉडी कुछ टाइम के बाद उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है तो ड्रग रेजिस्टेंट यू का जो डेवलपमेंट है

गलापेगोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस का डेवलप होना क्लियर आ तक तो कौन से सही होंगे सही कौन से इनमें ये तो नहीं होगा एक तो ए तो, तो इसका मतलब बी सी डी करेक्ट है तो बी सी एंड डी ये फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर आ क्या होगा बी सी एंड डी अब इसके बाद देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो है उसके लिए क्या था इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो दिया था उसमें तो, तो क्या बताया था ओंटोजे रिपीट फाइलोजेनी इट मीनस किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो उसकी स्पीसीज के इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है उसकी स्पीसीज के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि वो स्पीसीज कैसे वोल हो रही है क्लियर तक इसी को अप्रूव किसने किया था वो किया था कार्लस्टवन पेयर ने कार्लस्ट वोन बेयर ने इसको डिसूव कर दिया था और डिसप्रूव करके इन्होंने क्या बताया था कि ऑनटोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर रिपीट होते हैं वो केवल उसके एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर रिपीट होते हैं एडल्ट कैरेक्टर का रिपीटेशन उसमें नहीं होता क्लियर तक तो ये बात जो है वो कार्ल पेयर ने बताई थी तो इन्होंने इस एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को क्या किया था इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था कि जो हिकल ने जो बात बताई है वो एकदम करेक्ट नहीं है समझ में आ गई तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड फर्स्ट और सेकंड लिस्ट की मैचिंग करवानी है आपको इसमें आप देखें फर्स्ट एडेप्टिव रेडिएशंस एडेप्टिव रेडिएशंस का एग्जाम्पल है डार्विन फिंसेस किसके कारण डेवलप हुई है एडेप्टिव रेडिएशन के कारण या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण इवोल्व हुई है उसके बाद देखें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जो है वो क्या होना चाहिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड बटरफ्लाई और बर्ड्स के अंदर जो विंग्स का डेवलपमेंट है ओरिजिन है वो दोनों में डिफरेंट है बर्ड्स में फोर लिंब का मोडिफिकेशन और बटरफ्लाई में काइटिन का एक्सटेंशन क्लियर तक तो ये आप देख रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल जिनके अंदर ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम है तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इवोल्यूशन फिर उसके बाद डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या जाएगा बोन्स ऑफ फोर लिम्स इन मैन एंड वेल मैन और वेल के अंदर फोर लिम्स के अंदर जो बोन्स होती है उनकी स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी क्लियर एंड नेक्स्ट इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण जो इवोल्यूशन है उसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है वो प्लांट के अंदर डेवलप हो जाती है जब लगातार हर्बी जो है पेस्टिसाइड्स का यूज करें तो उसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटी का डेवलप हो जाना ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होगी क्लियर यहां तक तो उसके अकॉर्डिंग मैचिंग अगर देखें तो ए के साथ मैचिंग फोर्थ है तो फोर थ्री फोर थ्री सेकेंड एंड फर्स्ट फोर थ्री सेकेंड एंड फर्स्ट फोर थ्री सेकेंड एंड फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा समझ में आ रहा है सारा इस टाइप से जो है वो ये इसकी मैचिंग हो जाएगी आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया ले दे के क्वेश्चंस जो एवोल्यूशन में इसमें एविडेंसेस में आते हैं वो करीब करीब आप ये मान के चले एनालोग होमोलोगस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होमोलोगस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अच्छे से तो समझ लें कंसेप्टें क्या होते हैं होमोलोगस ऑर्गेन क्या होते हैं एनालोग ऑर्गेन किसके कारण डेवलप होते हैं और होमोलोगस ऑर्गे किसके कारण डेवलप होते हैं ये चीज अगर आपके इस चैप्टर में समझ में आ गई तो आप ये मान के चले एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड आता ही आता है वो आपका हंड्रेड परसेंट सही हो जाएगा क्लियर है आता तो ये इसमें करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो गया अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या देखना आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है इसमें क्लियर आ तक इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट है स्वीट पटेटो एंड पटेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी स्वीट पटेटो और पोटैटो दोनों में ओरिजिन अगर हम देखें तो क्या रहेगी स्वीट पोटैटो क्या होता है स्वीट पोटैटो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है एंड पोटैटो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो दोनों ओरिजिन में डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है दोनों का फंक्शन क्या है फूड स्टोरेज करना स्वीट पोटैटो भी फूड स्टोरेज कर रही है और टमेटो भी फूड स्टोरेज कर रहा है तो दोनों का फंक्शन सेम बट ओरिजिन डिफरेंट तो एनालॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट है तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ एनॉलोजी करेक्ट है जहां ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम है आगे चले सेकेंड होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री होमोलोग होमोलॉजी जो है इसका मतलब होमोलोगस ऑर्गेन्स जो डेवलप हो रहे हैं इसका मतलब उनके एंसेस्टर्स किसी टाइम पे कॉमन रहे हैं तो कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करेक्ट है ये भी थर्ड आप देखें फ्लिपर्स ऑफ एंड डोल्फिन आर ए पेयर ऑफ होमोलोगस

एनालोगस स्ट्रक्चर जो बन रही है एनालोगस ऑर्गेंस जो बन रहे हैं किसके कारण डेवलप हो रहे हैं एनालोग है वो कन्वर्जेंट इवोल के कारण इवोल्व है क्लियर आ तक तो किसके कारण डेवलप हो रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण डेवलप हो रहे हैं तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए नॉट ट्रू पूछा है इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा थर्ड क्लियर समझ में आ रही है बात ये इसमें है इसका एविडेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थर्ड आंसर हो जाएगा इसका इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इवोल्यूशन से रिलेटेड है तो यहां तक जो आपने देखे थे तक से आए है। क्लियर यहां तक अब आगे आप देखें 23 में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आर्टिफिशियल टू मिल्क आउटपुट

मीन वैल्यू वाले इंक्रीज हो रहे हैं या एक स्पेसिफिक वैल्यू वाले इंक्रीज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक वैल्यू वाले या मीन कैरेक्टर वैल्यू से हटके जो वैल्यू वाले हैं वो इनमें ज्यादा डेवलप हो रहे हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हो रही है तो किस तरह का सिलेक्शन माने इसको डिसरप्टिव डायरेक्शनल या स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन कैसा है डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा दिशात्मक वर्ण होगा ये क्लियर यहाँ तक तो क्या आना चाहिए डायरेक्शनल सिलेक्शन एज इट पोज द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन मीन को मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन को एक दिशा में धकेल देता है एवरेज कैरेक्टर मतलब वाले वैल्यू की जो गाय थी वो तो नंबर्स में कम है लेकिन एक जो है वो नए तरह के चेंजेस वाली जो गाय है जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है उनके नंबर लगातार इनक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अगले में दे रखा डिसरप्टिव डिसरप्टिव सिलेक्शन सिलेक्शन है डायरेक्शनल है सिलेक्शन भी नहीं है स्टेबिलाई सिलेक्शन दे रखा है तो ये सारे गलत हो गए तो सही आंसर क्या जाएगा इसका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है डायरेक्शनल सिलेक्शन है जो क्या कर रहा है मीन वाल मीन वैल्यू वाले को एक तरफ एक दिशा में धकेल रहा है क्लियर यहां तक तो ये इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट नेक्स्ट आप देखें ट्वेंटी फोर फोर में दे रखा है इन ए स्पीसीज द्यू बोर्न रेंजेज फ्रॉम टू टू फाइव के जी क्या होता है एवरेज बॉडी वेट जो है वो क्या होता है है बच्चे का 2 से वेट वो एवरेज वेट होता है या तो बच्चा दो तीन ढाई किलो का साढ़े तीन किलो का बच्चा है वो नॉर्मली जो है वो एवरेज रेंज होती है बच्चे की न्यू बोर्न बेबी का वेट है वो एवरेज वेट इतना होता है अब आगे दे रखा है नाइंटी सेवन परसेंट ऑफ द न्यू बोर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री के जी सर्वाइव क्या होगा 97% सेवन परसेंट न्यू बोर्न सर्वाइव करेंगे कौन से जिनका एवरेज बॉडी वेट कितना हो थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री के जी बॉडी वेट हो वो सर्वाइव करेंगे वेर इज नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द इन्फेंट्स बोर्न विद वेट फ्रॉम टू 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 पॉइंट फाइव के जी और 4.5 टू 5 के जी डाई अब इनके अंदर हो तो कितने तक सकता है दो से लेके किलो बॉडी वेट तक के बच्चे हो सकते हैं लेकिन इनके अंदर एवरेज बॉडी वेट या मीन वैल्यू अगर हम लें इसकी तो मीन वैल्यू कितनी है टू वेट है है वो इसकी मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू है वो बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो है वो सर्वाइव करेंगे जिनका बॉडी वेट कितना होता इतना बॉडी वेट होता है वो सर्वाइव करेंगे क्लियर यहां तक तो ये इस टाइप से इसमें जो ग्राफ आएगा वो किस तरह का रहेगा इस ग्राफ के अंदर आप देखें कि जो थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव के जी वेट इसका मतलब मीन वैल्यू वाले वो तो इसमें क्या रहेंगे इंक्रीज होंगे पीक लेवल पे रहेंगे और इससे ज्यादा बॉडी वेट क्या अगर होंगे ये देखा टू टू टू, टू पॉइंट फाइव के जी या फिर फोर पॉइंट फाइव टू फाइव के जी वेट वो डाई हो जाएंगे जिसका मतलब इनका नंबर्स कम रहेगा और मीन वैल्यू वाले जो है वो पीक लेवल पे रहेंगे कौन से इनका बॉडी वेट थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री के जी बॉडी वेट हो वो क्या होंगे वो नंबर्स में ज्यादा होंगे पीक वैल्यू पे होंगे इसका मतलब करेक्ट आंसर ये किस तरह का सिलेक्शन है ये स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन होता है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन में किसका सिलेक्शन होता है मीन कैरेक्टर वैल्यू वालों का सिलेक्शन होता है जो नंबर्स में पीक लेवल पे होते हैं और बाकी जो है वो इसमें धीरे धीरे

एनसीआरटी में नहीं दे रखी है लेकिन वो ग्राफ अच्छे से समझ लें आप एक होता है सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कैसा ग्राफ बनता है सिलेक्शन का ग्राफ होता है है जिसके अंदर मीन वैल्यू वाले जो है, वो पीक लेवल पे होते हैं एक डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर क्या रहेगा ये इनमें ग्राफ है वो एक मीन वैल्यू से जो है वो एक डायरेक्शन में एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ जो है वो पीक लेवल पे होगा तीसरा जो ग्राफ बनता है वो डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन होता है जिसमें दो पीक बन जाते हैं

लेक्शन वे मोर इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू आप देख रहे हो यहां स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू वाले जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स ज्यादा होते हैं क्या बता रहा है नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर जहां ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल क्या एक्वायर कर, कर रहे हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्वायर कर रहे हैं अदर देन

वो अगर नंबर्स में इंक्रीज हो रहे हैं तो कौन सा रहेगा स्टेबिलाई सिलेक्शन और एक पॉपुलेशन दो सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाती है और दोनों अपने पीक लेवल पे होती हैं तब क्या होता है डिसेप्टिव सिलेक्शन होता है क्लियर आ आ तक तो ये करेक्ट करेक्ट आंसर 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 इसका इसका क्या जाएगा इसका, जाएगा फर्स्ट हो अब इसके बाद आप देखें मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो आपने पढ़ी है म्यूटेशन थ्योरी म्यूटेशन थ्योरी के लिए एनसीईआरटी में क्या दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्लियर आ तक उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये क्वेश्चन उससे आया हुआ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूगोडिब्रिज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन की मैकेनिज्म जो है है वो क्या होती है? क्या होती बताया था ने म्यूटेशन के कारण होता है यूगोडिब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी जिसमें बताया था कि जो इवोल्यूशन होता है नई स्पीसीज की जो ओरिजिन होती है वो किसके कारण होती है नई स्पीसीज राइज होने में मेन रोल म्यूटेशन का होता है और म्यूटेशन को उन्होंने क्या नाम दिया था साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होते हैं जिनके कारण एक ही बार में बड़ा चेंजेस बड़ा वेरिएशन आ जाता है और वो बड़ा वेरिएशन या बड़ा चेंज एक नई तरह की को कम टाइम में ही अराइज कर देता है क्लियर ये म्यूटेशन की थ्योरी थी म्यूटेशन थ्योरी और इसी को क्या कहा गया था मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की मेन स्पीसी का जो मेन कोज है वो क्या होता है साल्टेशन होता है क्लियर तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इसका क्लियर आ तक क्योंकि बाकी में क्या देखा फिनोटाइपिक वेरिएशन फिनोटाइपिक वेरिएशन नहीं है इसमें दोनों टाइप से आता है फिनोटाइप भी चेंज होता है और जीनोटाइप भी चेंज होता है माइनर म्यूटेशन माइनर म्यूटेशन नहीं होते म्यूटेशन हमेशा लार्ज म्यूटेशन ही होते हैं मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन मल्टीपल स्टेप में नहीं होता सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होते हैं क्लियर आता करेक्ट आंसर साल्टेशन हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वेरिएशन कोज बाई म्यूटेशन एज़ प्रपोज बाई गोडिब्रिज आर वेरिएशंस जो म्यूटेशंस के कारण वेरिएशंस आती हैं वो किस टाइप की वेरिएशन आती हैं गोडिब्रिज तो ने क्या बताया था कि म्यूटेशन के कारण आने वाली जो वेरिएशंस है वो लार्ज वेरिएशन होंगी डिसकंटिन्यूस होंगी और नॉन डायरेक्शनल होंगी नॉन डायरेक्शनल का मतलब आप समझते हो बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और वो हार्मफुल भी हो सकती हैं दोनों तरह की वेरिएशंस आ सकती हैं वैसे होती हैं वेरिएशंस लार्ज होंगी नॉन डायरेक्शनल होंगे और डिस्कंटिन्यूस होंगे तो लार्ज नॉन डायरेक्शनल एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती हैं तो ये क्या होगा डिसकंटिन्यूस का मतलब मान डायरेक्शन लेस तो करेक्ट आंसर नॉन डायरेक्शनल का मतलब तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि वेरिएशन जो म्यूटेशन के कारण आती हैं वो किस टाइप की होती हैं रेंडम होंगी और नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शन लेस होती है क्लियर आंतक तो फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Clear? अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ये हार्डी विनबर्ग लो से रिलेटेड है हार्डी विनबर्ग लो आपको ध्यान है अभी जेनेटिक्स में भी आता है और इसमें भी आता है समझ गए तो इसमें हार्डी विनबर्ग लो लास्ट में देखा ना जेनेटिक इक्विलिब्रियम थ्योरी वो हार्डी विनबर्ग लो है हार्डी विनबर्ग लो में हार्डी और विनबर्ग ने क्या बताया था कि एक लार्ज पॉपुलेशन में जब तक सारे इंडिविजुअल्स है वो रेंडमली मैटिंग करते रहे तब तक उसका जीन पूल कॉन्स्टेंट बना रहता है क्या ना वो उसके अंदर जो है वो हार्डी है तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेटिंग जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है जिसके अंदर एक बार में ही चांस म्यूटेशन के कारण या चांस इवेंट के कारण अगर कोई बड़ा चेंजेस आ जा जाता है जीन पुल की वैल्यू अचानक से चेंज हो जाती है जेनेटिक तो ड्रिफ्ट और जीन फ्लो दो होती है अगर फ्रिक्वेंटली जीन पुल की वैल्यू चेंज होती रहे तो जीन फ्लो और अचानक से रेंडमली जो है वो एक बार में ही या चांस इवेंट के कारण अगर अचानक से कोई जीन पुल की वैल्यू चेंज हो जाए तो कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो ऑपरेट होती है वो किस में होती है वो स्मॉल पॉपुलेशन में होती है और एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होगी तो स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होंगी तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है जिसके कारण से फाउंडर इफेक्ट और बोटल नेक इफेक्ट होते हैं सुने में फाउंडर इफेक्ट बोटल नेक इफेक्ट वो हमेशा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर होते हैं जहां जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाती हो जीन फ्लो हो जाता हो उसके कारण से जो है वो चेंजेस जीन पुल की वैल्यू चेंज होती है क्लियर तक फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कंटीन नाइन में इन हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स जो है इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा इसको करता है 2pq आपको ध्यान होगा इसमें हार्डी-वीनबर्ग लॉ में बताया गया था p q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 p q का होल स्क्वायर इक्वल वन. ये बताया था इन्होंने कि जीन पूल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या बताया वन बताई थी इसको क्लियर आ तक इसका करेंगे तो P2 plus 2PQ plus Q2 क्या हो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर इसका करोगे तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन पी स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये डोमिनेंट एलील की होमोजाइगस कंडीशन को तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलियल की कंडीशन को शो करेगा ये हेट्रोजाइगस को शो करेगा कैपिटल ए स्मॉल ए को और क्यू स्क्वायर है वो होमोजाइगस रेसेसिव एलील है उनको शो करता है तो होमोजाइगस रेसेसिव एलील की फ्रिक्वेंसी को ये हेट्रोजाइगस को और ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी को तो पूछ क्या रहा है यहाँ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को पूछ रहा है तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कौन सा हो गया है ये हो गया इसको कौन रिप्रेजेंट करता है टू पी क्यू करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाएगा इसका क्लियर अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी एजीन लोकस हैज टू एलील कैपिटल एंड स्मॉल ए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए कैपिटल एलील जो है इसकी फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है पॉइंट फोर दे रखी है क्लियर आ तक

क्लियर इनकी फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है तो इसकी आपने अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कि इनकी फ्रिक्वेंसी के लिए जो है वो विनबर्ग ने क्या बताया था डोमिनेंट के लिए पी स्क्वायर इसके लिए क्या बताया इन्होंने? टू पी क्यू और प्लस इसके लिए क्या बताया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन क्लियर तक तो इसमें पूछा पहला डोमिनेंट जो है विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब स्क्वायर की वैल्यू क्या है 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 की 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 वैल्यू 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 आपके आपके पास आ है? P की आपके पास आ रखी अब सॉरी किसका दे रखा डोमिनेंट कैपिटल ए इज लोगे तो क्या पॉइंट वन सिक्स हो गई स्क्वायर की वैल्यू इसका मतलब ए ए की वैल्यू पॉइंट वन सिक्स उसके बाद टू पी क्यू तो टू पी क्यू की वैल्यू तो कैसे आ गया ए की वैल्यू पी की वैल्यू जो है वो पॉइंट फोर आ गई तो क्यू की वैल्यू जो है वो क्या जाएगी वन माइनस पॉइंट फोर तो वन माइनस पॉइंट फोर का मतलब सिक्स हो गई तो ये पॉइंट सिक्स है क्यू की वैल्यू पॉइंट सिक्स है पी की वैल्यू पॉइंट फोर है तो इसका है मतलब टू इंटू पॉइंट फोर इंटू पॉइंट सिक्स तो इसका मतलब कितने आ जाएंगे भी आ जाएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू लोगे तो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर लेना आपको तो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर है वो कित आ जाएगा पॉइंट थ्री सिक्स हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर आप मैच कर लें पॉइंट वन सिक्स किसकी की? वैल्यू पॉइंट वन सिक्स ए ए और फिर उसके बाद कैपिटल A, A की वैल्यू ये हो और उसके बाद Q² की या small AA की वैल्यू वैल्यू या जो है है वो कितनी तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहां तक समझ में आएगा ये उसी फॉर्मूले से पे चलेगा सारा काम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू क्लियर जहाँ आपको पहले बता दिया मैंने कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बाद थर्टी वन थर्टी वन में विच ऑफ द फॉलोविंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी इनमें सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी जो है वो किसकी है इसमें होमो एबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी होती है सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड सी सी ये क्रेनियल कैपेसिटी होमो एबिलिस की है होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो नाइन हंड्रेड सी सी है ये होमो इरेक्टस की उसके बाद होमो सेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी थर्टीन फिफ्टी सी सी ये सेपियंस की है लगभग थर्टीन और होमो होमोनसिस इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी फोर्टीन हंड्रेड सी सी क्लियर आता ये इनके अंदर जो है वो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है तो इसमें पूछा स्मोलेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी आप देख रहे हो सिक्स फिफ्टी टू सी किसकी है, किस है? होमोहेबिलिस की है करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा होमोहेबिलिस की स्मॉलेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी क्लियर यहां तक अब आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट पहले जो ह्यूमन इवोल्व हुआ उससे लेके अब तक जो ह्यूमन इवोल्व हुए हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको देखना है कि पहले कौन से इवोल्व हुए उसके बाद कौन से इवोल्व हुए फर्स्ट ऑप्शन में आप देखें रामपी क्या थे एप थे एप से क्या हुए एप मैन इवॉल्व हुए एप मैन से आगे ह्यूमन हुआ था समझ में आ गई तो होमडी का जो फर्स्ट मेंबर जो हुआ था वो होमो हैबिलिस था सबसे पहले एप से मंकी से एप इवॉल्व हुए एप से एप मैन इवोल्व हुए और एप मैन से ह्यूमन इवॉल्व हुए बात समझ में आ गई क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो इनकी अर्ली टू रिसेंट ये रही है

होमो इरेक्टस से आगे होमो ही बोल रहे हैं क्लियर यहां तक ये इसका सीक्वेंस रहा है अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो पहले में आप देखें रामापिथेकस एप थे फिर एप में नहीं बोल सही है उसके बाद, होमो हैबिलिस होम फैमिली का फर्स्ट मेंबर और उसके बाद होमो इरेक्टस तो पहली सिक्वेंस ही करेक्ट है समझ आ गई अगला में देखो आप तो रामापिथेकस रामापिथेकस के बाद होमो हैबिलिस उसके बाद दे रखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस

1400 cc थी होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी वो 900 cc और होमो सेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी 1350 cc तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ए के साथ थर्ड होमो एबिलिस थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसमें िस की स्किन की मैचिंग करवानी है कैपेसिटी के, के साथ तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा फर्स्ट हो जाएगा क्लियर तो ये आपने देखा सारे इवोल्यूशंस के जो भी क्वेश्चन इवोल्यूशन से आए हुए हैं अब तक 2022 तक वो सारे आपको बता दिए और आपने देख भी लिया किस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज है को अच्छे से तैयार करें क्लियर ओके बाय